2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उनसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता था कि पाकिस्तान के साथ भारत की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, और मैंने भी ये सवाल पूछा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने धो टूक कह ये कहा था कि भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को लव लेटर्स लिखने बंद कर देने चाहिए। नरेंद्र मोदी का विजन था कि हमें पाकिस्तान के सामने ना नजरें झुकानी चाहिए और ना ही आंखें दिखानी चाहिए, बल्कि आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार पाकिस्तान के साथ इसी नीति पर चली, आतंकवाद का जवाब घर में घुसकर दिया। लेकिन भारत में मोदी विरोधी हमेशा उनके दावों पर शक करते रहे, सेना से सबूत तक मांगते रहे। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक विशेष बातचीत का खुलासा किया, जिसे आज मैं देश हित में उस बातचीत को आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि यह बातचीत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी इंडिया, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इज ग्रेट, बट वी हैड अ कपल ऑफ ओकेशंस वेयर समबडी वाज थ्रेटनिंग इंडिया। आई सेड, Let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. ट्रंप कह रहे हैं कि एक बार भारत को कोई धमका रहा था तो मैंने कहा मुझे मदद करने दीजिए मोदी जी, जिसके जवाब में मोदी ने कहा कि मैं सब संभाल लूंगा, और एक बार नहीं कई बार बोला कि मैं सब संभाल लूंगा, आई विल मैनेज इट ऑन माई ओन, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है मैं उठाऊंगा, क्योंकि हम उन्हें सैकड़ों सालों से हराते आए हैं। यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के अंदर। यह बात कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं कह रहा, प्रवक्ता नहीं कह रहा, बीजेपी का नेता नहीं कह रहा, यह कोई बात भारतीय तक नहीं कह रहा, यह बात अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति कह रहा है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वॉइस मॉड्यूलेशन में प्रधानमंत्री मोदी के कहे शब्दों की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति में पहले की सरकारों के मुकाबले कितना बदलाव आया है। यह नरेंद्र मोदी के स्ट्रांग पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। यह बताता है कि मोदी देश हित में कुछ भी करने को तैयार है। वो दुनिया की नाराजगी के बावजूद रूस से तेल खरीद सकते हैं तो अमेरिका के साथ भी अपने मजबूत संबंध बना सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन को भी उसी की भाषा में जवाब देने से वो चूकते नहीं है, जो भारत में पहले नहीं होता था। फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी के संबंध दोनों देशों के साथ एक समान है, एक जैसे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करके मोदी अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। लगातार दुनिया भर की लॉबी नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें रचने लगती है, ये हम सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई मौकों पर विदेशी साजिशों के बारे में खुलकर बोला है, मोदी अगर ये फैसले ना ले तो शायद उनके लिए भी जीवन बेहद आसान होता, वो भी तसल्ली से सत्ता का सुख भोगते, और ऐसा इस देश में हुआ है। लेकिन आसान चीजें नरेंद्र मोदी को कहां भाती हैं, और यही नया भारत है, क्योंकि अब भारत दुनिया की सुनने और उसे फॉलो करने वाला देश नहीं है। व्यूअर्स, भारत अब अपनी शर्तों पर चलने वाला मुल्क है।